close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है ये आपका दिखाया, और आज के दिन बहुत ही ठंड थी क्योंकि 25 जनवरी ये है, और आज मोटू नाराज़ हो गए हैं, थोड़ा सा कुछ बोल दिया किसी ने, शायद हमने ही बोल दिया, हमें तो ध्यान नहीं था, लेकिन ये यहाँ पे देखा आके तो पड़े हैं नाराज़। हाँ, इनका कंबल छीन लिया था, ये उठ नहीं रही थी तो कंबल छीन लिया, इनका उठा के रख दिया, इसलिए नाराज़ पड़ी हैं। अब अभी बोल रही टेस्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में आ गए थे किचन में, और किचन में आज बनाएंगे भसीने की सब्ज़ी। ये भसीने कमलगट्टा जो बोलते हैं, इनको बॉयल कर लिया है, और इनको बॉयल करने के बाद में इनको छील लेंगे, और छील के छोटा छोटा काट लेंगे, और मसाला पीस के रख लिया है उसमें, वही मसाले हरी मिर्च 2-3 पीसी हैं, और लहसुन और प्याज और अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा पीसा पीस के रख लिया है, 2 टमाटर वो रखे हैं उनको अभी पीस लेंगे। और तब तक हमने कुकर को चढ़ा दिया है गैस पर, और हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाते हैं, कभी कभी मूंगफली के दाने भी थोड़ा सा जो है फ्राई करके और उसके छिलके उतार के थोड़ा सा छोटा छोटा करके उसको डाल देते हैं, तो वो भी अच्छे बनते हैं, लेकिन आज सिंपल ही बनाएंगे, सिर्फ मसाले डाल के प्याज लहसुन सब। और इधर सोनू चाय बना रहे हैं क्योंकि चाय की तो भरमार है आजकल, और सोनू थोड़ा सा चाय अच्छी भी बनाते हैं, या तो हम अपने हाथ की हमें अच्छी लगती है, या तो सोनू के हाथ की सेल पापा बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, हमें लगती नहीं है, तो इसलिए सोनू की चाय अच्छी लगती है, वो बना रहे हैं। इधर हमने आटा भी गूंथ के रख दिया है, और आजकल आटे में थोड़ा सा बाजरे का आटा भी डाल देते हैं, तो उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, मीठी मीठी सी रोटी लगती हैं। और इधर सब्जी बना के रख देंगे, और रोटी जो है चूल्हे पर सेकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी भी है आज, और थोड़ा सा चूल्हे पर आग भी तापते जाएंगे क्योंकि गाय के पास जाना तो जाके वहाँ पे आग जलती रहती, लेकिन गाय के पास जाना हर समय मुमकिन नहीं होता, नहीं जा सकते वहाँ पे बैठना एक तरफ। तो ये प्याज और लहसुन जो पेस्ट सब बना के रखा था उसको डाल दिया है, अब पीस लेंगे टमाटर। और ये सब्जी छौंक देंगे, टमाटर भी पीस के रख दिया है हमने, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और आज सबसे ज्यादा ठंडी है, आज है 25, हाँ 25 तारीख है, हाँ 25 तारीख है, और 25 जनवरी है 2020 है, तो ये 25 जनवरी 2021 का ब्लॉग है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं, और आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, आज सबसे ज़्यादा ठंडी हमें लग रही है, क्योंकि आज तक जितनी ठंडी हुई उसमें से सबसे ज़्यादा ठंडी आज है। तो कल परसों थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो आज चाय की तो गिनती नहीं है, चाय कितनी बार बनी है पूछो मत, 4-5 बार तो चाय बन चुकी है, और अभी फिर अभी है 6 बज चुके हैं, और 5 बजे चाय बनाई थी, चाय पी के, और फिर उसके बाद में अभी जा रहे खाना बनाने, खाने में देखते हैं क्या बनाना है। खाने में आलू रखे हैं बॉयल, तो उन्हीं को बनाएंगे, सुबह बनाई थी भसीने की सब्जी, भसीने हमारे यहाँ पे बोलते हैं, आप लोग के यहाँ शायद किसी किसी के यहाँ कमलगट्टा भी बोलते हैं, लेकिन हम तो भसीड़े बोलते हैं, तो उसकी सब्जी बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनी थी, लेकिन अब इस टाइम सोच रहे हैं आलू जो है बना लेंगे, आलू तल लेंगे खाली, बस उसके बाद में रोटी बनाएंगे। तो आप लोग के यहाँ बता देना कैसी ठंडी है, और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो चलिए फिर चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। आलू छील लेते हैं, बाटी रोटी बाटी बाटी
कुछ थाली वाली आपके पास, और वही बनाए जाते हैं। सब्जी भी वहीं बना के ले जाएंगे, वहीं खाना खाना देखते हैं। और यहाँ पे आ गए थे बाटी बनाने। यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा पड़ा था, गाय के पास एकदम अंधेरा है। उधर साइड में बल्ब लगा है एक, लेकिन उससे दिखाई नहीं देता कुछ। मोबाइल से जो कुछ भी आया उजाला उतना आया, और यहाँ पे अंधेरा एकदम है। और यहाँ पे बाटी एकदम ही प्लान बन गया, क्योंकि सब्जी बनाई थी बढ़िया खट्टी खट्टी टमाटर डाल के, और तो बाटी का हमने सोचा चलो आग के पास बैठेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और बाटी भी बन जाएगी, क्योंकि आजकल आग के पास बैठना भी अच्छा लगता है। वहाँ पर खाना भी बन जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा, इसलिए यहीं पे आके बैठ गए। सोनू कंडे लगा दिए थे तो उसी में हमने बाटी बनाई थी। आटा गूथा था रोटी के लिए, लेकिन उधर पतली पतली सी बाटी डाल दी हैं और पक जाएंगी सब्जी के साथ, और यहीं बैठ के सब लोग खा लेंगे। सेजल नहीं आती है, वो बोलती है गाय के पास गोबर है और हम नहीं जाएंगे वहाँ खाने, और सब आ जाते, सब सारे लोगों ने बैठ के खा लिया था। सेजल अपने लिए ले गई थी वहीं खाना, तो वहीं पे खा लिया। और इधर मोबाइल जला के तब देख पा रहे हैं, क्योंकि इधर दिखाई नहीं देता अच्छे से। और दीदी सब डांस कर रहे हैं कि हमें तो यहाँ पे बैठ के खाना है, और ये मुरमुरिया खा रही है, जो गुड़ वाली लाई वाली होती है वो खा रही है दीदी। और थोड़ा सा आग के पास चाहे चूल्हा जला लो, अच्छा भी लगता है, और आजकल सर्दी का मौसम है और खाना भी अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है इसीलिए, और जल्दी भी हो जाता है गैस से, और खड़े भी नहीं होना पड़ता है, खड़े खड़े बनाओ तो थोड़ा सा बैठ के भी काम हो जाता है, इसीलिए हम आजकल ज़्यादातर चूल्हा ही जला लेते हैं। तो इस तरीके से पलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी हम लोगों ने बाटी बना के खा ली, वहीं पे खाई। वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था इसीलिए वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया। वहीं पे ले रहे थे आग के पास सब्जी। आज ठंडी तो है ही बहुत ज़्यादा, एकदम इतने टाइम भी शीत पड़े हुए हाथ हैं, और वहीं भी ले गए थे, वहीं पे खाना पीना खाया, वहीं पे बनाई बाटी। और अब हम लोग खा पी चुके हैं, अब सोने की तैयारी है, तो दूध अभी देना है तो दूध दे देंगे। और किचन थोड़ा सा कर दिया है और हल्का सा, और बाकी सुबह करेंगे। बर्तन तो आएंगे धोने, तो फिर अभी दूध देना है, दूध देके और बस दूध में मिलाएंगे गुड़, थोड़ी सी हल्दी भी मिला देंगे, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी मिला देते हैं फायदा करता है, तो इसलिए छोटा छोटा वाला लिया है, छोटा वाला गुड़ डाल के और वही दूध में डाल देते तो अच्छा लगता है, और दूध का टेस्ट बढ़ जाता है गुड़ डालने से। तो गुड़ मिला देंगे, ये टूटा वाला है इसमें डाल दीजिए, चला देंगे चम्मच से, ये पिघल जाएगा, उसके बाद दे देंगे बच्चों को भी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है गुड़ वाला।
अभी टाइम 9 बजे हैं, 9 बजे हैं अभी। हम लोग का सोना होगा, तो मैंने सोचा वीडियो का एंड भी कर देते हैं। तो अभी तब तक के लिए बाय, और कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।